दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो वास्तु का कोर्स करना चाहते हैं। वास्तु के फील्ड में लगभग मेरे 5000 से अबव केसेस हो चुके हैं। आज मैं बात करूंगा साउथ फेसिंग प्लॉट की। दोस्तों साउथ फेसिंग प्लॉट में 2 साल के बाद और 3 साल के बाद दिक्कतें लगातार बढ़ती चली जाती हैं। इस प्लॉट में ऐसा क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है, तो ये क्लास का पार्ट है। अगर आप कोर्स करने आते हैं तो मैं विस्तार से आपको वहाँ पे डिटेलिंग में बताऊंगा कि किन किन कारणों की वजह से दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। अगर आप साउथ फेसिंग प्लॉट बनाने लगे हो या आप साउथ घर फेसिंग प्लॉट में रह रहे हो, तब भी ये आपका जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि दिक्कतों का कारण क्या होता है। पर ये डेड श्योर है,